नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों का स्वागत है मैथ क्लास में। असाइनमेंट नंबर 90 करांगे बेटा। इस तो पहले आप कुछ पॉइंट रिव्यू करिए कि जे दो समांतर रेखावां एक रेखा अगर कट रही है तो एको पासे बने हुए जो संगत कोण का जोड़ा जोड़ा वो बराबर होंगे, एक अंतर अंदरले कोण जोड़ा उन्हों का जोड़ा बराबर होंगे, तो काटवीं रेखा के एको ही दिशा में बने हुए अंदरले कोण का जोड़ जोड़ा संपूरक होंगे 180 डिग्री होंगे। एक क्वेश्चन दिता बेटा असाइनमेंट नंबर 90 कि जिहड़ा ए बी लाइन है वह पैरलर है सी डी दे, ते सी डी लाइन अगो पैरलर हैगी समांतर हैगी है ई एफ दे, ठीक है, तो जिहड़ा ई ए है वह परपेंडिकुलर हैगा ए बी ते, ई ए परपेंडिकुलर हैगा ए बी ते, मतलब लंब हैगा, मतलब इतने 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो जिहड़ा एंगल साढ़े कोल दिता होया उन्हें ए ई एफ सॉरी बी ई एफ जिहड़ा आ एंगल दिता होया 55 डिग्री दिता होया, तो बाकी एंगल लभने एक्स वाई तो जैड। हुण एक तो सानू आ कंडीशन दिती है कि जिहड़ा ई ए है वह लंब हैगा ए बी ते, एक और उन्हें कहा कि ए बी पैरलर हैगी है सी डी दे, मतलब ए बी समांतर हैगी है, समांतर का चिन्ह हुंदा है, समांतर हैगी है सी डी दे, कौमा पा के जिहड़ी सी डी है दैट इज़ ऑलसो समांतर टू ई एफ, ए बी तो समांतर है, तो एक होर चीज़ जी ई ए जी लंब है। हुण एंगल दिता होया एंगल भी वेख लीए, लिखना तो लिख लो बी ई एफ वह 55 डिग्री दिता, देखो बट आही एंगल है ना, आ एंगल है, आप पूरा नहीं पढ़ांगे बी ई एफ पढ़ांगे, ठीक है। हुण असी बाकी कौन, हुण देखो बेटा जे सानू यह दिता होया कि जी एंग जी लाइन सी डी है वह समांतर हैगी है ई एफ दे, तो एक रेखा इन्हों कट रही है, ठीक है, एक रेखा इन्हों कट रही है, सिर्फ इस पोर्शन देखो कि आ लाइन ये समांतर है तो एक रेखा इन्हों कट रही है, तो अंदरले कोणा का जोड़ एक ही दिशा के अंदरले कोणा का जोड़ कितना होता संपूरक, ठीक है, तो असं की लिखांगे कि 55 डिग्री प्लस वाई जिहड़ा हैगा वह 180 डिग्री के बराबर होंगे, कि लिखांगे एक ही दिशा के अंदरले कोणा का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, तो इत्थे उपर एक चीज़ लिख दिओ क्योंकि केड़ियां दो लाइनां लईआं सी डी समांतर है ई एफ दे, उस तो बाद सानू ये रिजल्ट मिलिया, इत्थों वाई निकल जाएगा, वाई किन्ना आएगा 180 विचों 55 घटाने हैगे आ, तो आ जाएगा 125 डिग्री, मेरे को वाई आ गया 125 डिग्री, सो सिंपल। हुण होर सानू एक चीज़ होर दिती है, देखो मैं इत्थे सी, मैं इत्थे पहुँच गई, आ गया मेरे को 125 डिग्री। हुण एक होर चीज़ दिती है कि जिहड़ी ए बी है दैट इज़ ऑलसो पैरल टू सी डी, तो एक रेखा जदों उन्होंने कटदी है आ भी उस हथ बनया होया जिस हथ आ बनया होया, ए लाइन के उपर है, ए भी लाइन के उपर है, संगत कोणा का जोड़ा हो गया, यदा मतलब जिन्ना वाई है उन्ना ही मेरे को एक्स है, असं की लिखा क्योंकि ए बी समांतर है सी डी दे, सो एक्स बराबर वाई बराबर संगत कोण, ठीक है, तो एक्स भी कि आ जाएगा 125 डिग्री, मेरे को एक्स भी कि आ गया 125 डिग्री आ गया, रह गया जेड। हुण असीं सारिया कंडीशनस वरत लिया, वेखो आ भी वरत्या, आ भी वरत्या, इनू वरत के पहला पार्ट आया, इनू वरत के सैकेंड पार्ट आया, आ चीज़ रह गई एक, डेफिनेटली यदा भी कितने यूज होएगा, इन्ना पार्ट बच्चों ने समझ आ गया, ओके। अगे देखो बेटा हुण मैं कहनी है कि जे आ लाइन ये पैरलर है तो आ लाइन अगो ये पैरलर है, अगर आ इहदा फ्रेंड है तो आ इहदा फ्रेंड है, तो फिर पहला तीजा क्यों नहीं, सो ए इत्थों की पता लगा इन्हां दोवां तो साढ़े को ये निकल के आया कि जिहड़ा ए बी है वह भी ई एफ दे पैरलर हो सकती है, ठीक है, अगर फर्स्ट टू दे पैरलर है तो टू अगो थ्री का दोस्त, थ्री दे पैरलर है तो वन तो थ्री भी होणगे आपस से पैरलर, तो नाल दी नाल असीं ये वेख लैंदे आ फिर कि अगर आ लाइन इस लाइन दे पैरलर है
रेखा इनू कट रही है, इस रेखा का भी तो मतलब है, असं हमेशा क्या आ लाइन ये पैरलर आ रेखा कट रही है, आ लाइन ये पैरलर आ रेखा कट रही है, पर आ रेखा का प्रश्न में दिती हुई हर एक लाइन हर एक कंडीशन का कोई ना कोई मतलब होंदा जिदे नाल असी प्रश्न हल करना होंदा। देखो हुण आ लाइन अगर इस लाइन के पैरलर है तो आ इनू कट रही है रेखा, तो सानू फिर पता है कि एक ही दिशा में बने हुए अंदरले कोणा का जोड़ कितना होंदा है 180 डिग्री। अगर आ पूरा एंगल तो आ पूरा एंगल इधरों इन्हों दोवों का जोड़ कितना होएगा 180 डिग्री। ठीक है, असी लिखांगे 90, आ 90 ही है सीधा तो ना लिखने की बजाय 90 लिख लो, 90 प्लस आ पूरा एंगल की दो जनिया का जोड़ प्लस जेड प्लस 55 कि बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कंडीशन सेम रखनी है कि एक ही दिशा में बने हुए अंदरले कोणा का जोड़ 180 होंगे। हुण प्लस कर लें आप 145, इधर 180 आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा 180 विचों 145 असी कटा देने तो साढ़े कोल कितना आ जाएगा जेड 35 डिग्री। सोल्व कर लिया आप, जेड भी मेरे कोल कितना आ गया 35 डिग्री। क्लियर है बच्चे, इन्हें असी एक्स वाई जेड तिना का मुल कढ लिया। हुण बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो होमवर्क क्वेश्चन है, इनू आप हल करने की कोशिश करते हैं। एक्स असी फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे अगर ए 130 डिग्री हो जाए, ये लाइन के नीचे बनिया लाइन जी है एम पैरलर हैगी एन दे समांतर है, तो एक ट्रांसवर्स उन्हों एल कट रही है। ठीक है, अगर ए 130 डिग्री नीचे बनया हुआ वा तो ये नीचे भी जोड़ा बनया वो भी 130 डिग्री होएगा, संगत कोण का जोड़ा है, तो यह भी बिल्कुल ये सामने शिखर सन्मुख कोण है, तो एक्स भी 130 डिग्री ही होएगा, शिखर सन्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन सी, अगर 130 डिग्री है तो फिर ए कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर रेखी जोड़ा बना रहा वा, एक लाइन के उत्ते बने हुए कोणों का जोड़ 180 होंगे, 130 इधर को रह गया बाकी 50 इधर को रह गया, तो ये सामने वाला कोण इधरला भी 50 डिग्री ही होएगा, फिर ए वाला भी 50 डिग्री होएगा क्योंकि इको ही दिशा में बने हुए अंदरूनी कोणों का जोड़ा जोड़ा है वह 180 डिग्री के बराबर होंगे। ऑन द अदर हैंड आ भी सिंपल, सामने 50 डिग्री होएगा तो 130 के सामने जोड़ा 130 डिग्री होएगा, इधर भी अंदरले कोणों का जोड़ा जोड़ा संपूरक बन गया, इधर भी अंदरले कोणों का जोड़ा जोड़ा संपूरक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सानू दिता हुआ है कि दोनों लाइना समांतर है तो तुसी एक्स ते वाई का मुल लभना। हुण देखो बेटा आ 130 है, ये सामने वाला कोण है वाई, वो शिखर सन्मुख कोण है, तो असं की कहोंगे कि वाई तो 130 होएगा, तो ना लिख देंगे शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण ए लिख देंगे 130 होएगा, ए तो आ गया मेरे को 130 डिग्री। हुण एक ही रेखा के उत्ते बने हुए कोणों का जोड़ कितना होंगे 180, तो जे आ 50 इधर है तो मतलब 50 जमा एक्स कितना हो जाएगा 180, ब्रैकेट में लिख देंगे रेखी जोड़ा है, तो एक्स कितना आ जाएगा 180 में 50 घटावे तो मेरे को एक्स भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री, वाई भी 130 क्योंकि शिखर सन्मुख से, तो एक ही रेखा तो बने कोणों का जोड़ 180 है, तो फिर 180 चो जो है 50 घटा दोगे तो 130 साढ़े को रह जाएगा। किन्ने सिंपल क्वेश्चन आए दे असाइनमेंट नंबर 90 के नाल बेटा, असाइनमेंट नंबर 91 जोड़ा लास्ट क्वेश्चन तुम्हें कराया गया वह दिता हुआ है, प्लस दो क्वेश्चन की साडे सिलेबस तो दोहराई दिती हुई है, आओ वो वाले प्रश्न भी करिए। हुण दो प्रश्न दिते हैं, पहला तो दूजा उन्होंने कहा एक्सपैंड करो विस्तृत रूप में, इनू करो ये उपर स्क्वेयर है, तीन टर्मा है एक्स वाई तो जैड। हुण फॉर्मूला देखो सर जी हैगी है साढ़े को सर्वंग समता केड़ी लानी है, ये आप सर्वंग समता साढ़े को लगी है, फॉर्मूला कड़ा लगा साढ़े को एक्स प्लस वाई प्लस जैड का स्केयर कि बराबर होंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ए फॉर्मूला होंगे ये तो याद करना बहुत ईजी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर प्लस 2xy एट ए टाइम दो दोनों ले जाना प्लस 2yz प्लस 2zx। हुण असी वेख लेना कि इतने मेरे को एक्स की जगह की पाया 3a, एक्स किन्ना मेरा 3a, वाई की जगह पर मेरे को पे 4b,
ते z दी जगह ते मेरे कोल की पिया 5 सी, बाकी मैं फॉर्मूले से उदा ही पुट कर दे जाना। इक्वल पावांगे, पहला आ गया x दा स्क्वायर मतलब 3a दा स्क्वायर, y दा स्क्वायर मतलब 4b दा स्क्वायर, z दा स्क्वायर मतलब 5c दा स्क्वायर, प्लस 2x गुणा y, x y मतलब इन्हां दोनों नूं गुणा करना 3a नूं 4b ना, गुणा 3a गुणा 4b जमा। नेक्स्ट स्टेप च लिख दिंदी आ या इनू बाद चो करते हैं प्रश्न नू, 2xy कर लिया, 2yz, 2 गुणा y किन्ना मेरा 4b, z किन्ना 5c, 2zx, z किन्ना 5c, x किन्ना 3a, बस हुण अपन नू मल्टीप्लाई करना, वर्ग करो, जो 3a दा वर्ग करना, 3 दा भी वर्ग होना, a दा भी वर्ग होना, 3 दा वर्ग किन्ना आ गया 9, a दा a स्क्वायर, 4 चौके 16, b स्क्वायर, 5 5 25 सी स्क्वायर। मैथमेटिकल न्यूमरल्स नूं जिहड़ा हैगा वो तुसीं मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ते नाल की है ए बी लिख देना सी, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 नाल की है बी सी, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 सी ए। सो जदों असीं स्क्वायर खोलिया साडे कोल 1 2 3 4 5 6 टर्म सी, इत्थे भी 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म साडियां आ गया। ओनली यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा सी रब कीता सी हो गया 3a प्लस 4b दा क्यूब है, हुण साडे कोल x प्लस y दा क्यूब दा फॉर्मूला की है, पावर 3 दा फॉर्मूला की है, दो टर्म्स नाल क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x, ऐ साडे कोल फॉर्मूला। हुण असीं वेख लैने आ मेरे x दी जगह ते की है 3a, y दी जगह ते की है मेरे कोल 4b, ओनली यू हैव टू पुट इट हियर, 3a एक्स क्यूब है मतलब 3a दी पावर 3, कोई डरन दी जरूरत नहीं है, जिथे x सी मैं उथे 3a भर दिता, ब्रैकेटा आले दुआले पा के उपर 3 पावर करती, y किन्ना मेरा 4b, ब्रैकेट पा के उत्ते पावर 3 करती, ए फॉर्मूले च की दिता 3, एक्स स्क्वायर मतलब x जो भी है वह भर के उपर पावर 2 पानी है, नाल गुणा किन्ने होना y ने, y किन्ना मेरा, डॉट पा लिया करो, क्लीयर हो जाए करेगा कि एक गुणा का निशान है 4b प्लस 3, वाई स्केयर किन्ना मेरा 4b दा स्केयर, ते एक्स किन्ना मेरा नाल 3a। ओपन कर लैने आ, 3 दा कण, 3 3 9, 9 3 27, ते नाल a 3 वारी a क्यूब, 4 दा कण किन्ना आना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 b क्यूब। हुण ये सीधा गुणा नहीं करना, हुण पहला नूं फिर आपां एक्सपेंड कर लैने आ, 3 इतने डॉट पा लें, वर्ग करना है, 3 का वर्ग किन्ना आ जाएगा 9, ए स्केयर नाल डॉट 4b, 4 का जोड़ा वर्ग है की करना 16, बी का वर्ग बी स्क्वेयर नाल डॉट 3। हुण आपां इनू मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है, पहले दो टर्म्स असी सॉल्व कीतियां हुई ने, हाँ जी इन्हों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो असी मल्टीप्लाई कर लें 3 4 दा 12, 12 9 दा 108, 108 a स्क्वायर b, a दा स्क्वायर नाल b, जो असी इनू मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 144 b स्क्वायर a, ऐ साडे कोल किन्ना आ गया इहदा सोल्यूशन, इहदे विच 4 टर्म सी, इहदे विच भी मेरे को किन्नी आ गया 4 टर्म्स। ए सी बेटा साडे दोहराई दे प्रश्न जिहड़े 91 असाइनमेंट। धन्यवाद।